आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इच्छा का मान तुम दोनों ने रखा। अब इस खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम दोनों के कंधे पर है। सच्ची काकू, इसका मतलब आप खुद रिटायर होकर अपनी जगह सही भाभी को दे रही हैं। टेढ़ी है इसका तू, वहीनी ऐसा क्यों करेंगी? मतलब अश्विनी वहीनी है, मैं हूँ, हमें छोड़कर वो सही को थोड़ी ही ये सब जिम्मेदारी देगी, ओ ना वहीनी? क्यों नहीं सुनाली? तुझे क्यों लगता है कि सही मेरी जगह नहीं ले सकती? सही से तुम्हें कह दिया है, और आज मैं सबसे कह रही हूं, मेरे हिसाब से सही एक इकलौती ऐसी बहू है जो मेरे बाद मेरी जगह ले सकती है। वहीनी, मतलब यहाँ पे पहले से ही इतने सारे प्रतियोगी कंटेस्टेंट उम्मीदवार हैं, अब मैं हूँ, अश्विनी वहीनी है, करिश्मा है, हम सबको छोड़कर आप ये सब जिम्मेदारी सई को दे रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हिम्मत है और अब घर की जिम्मेदारी उठाने की समझदारी भी इसमें आ गई है। बुरा मत मानना सोनाली, लेकिन घर के मुखिया होने की काबिलियत तुम में और अश्विनी में नहीं है। काकू, क्या? वहीनी, आपके कहने का ये मतलब है कि सही में वो काबिलियत है और हम में नहीं है? हाँ, यही मतलब है मेरा। वहीनी, क्या हो गया आपको? अरे माना कभी कभी इंसान की सोच बदल जाती है, लेकिन सोच क्या, आप तो खुद पूरी की पूरी तरह बदल गई हैं। जिस देवी जी को जंगली मुल्की कहते थकते नहीं हैं, आज उसी को अपनी सत्ता का उत्तराधिकारी बना रही हैं आप। उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ओमी, ये मेरा आखिरी फैसला है और हर फैसले की तरह तुम्हें भी चुपचाप मानना होगा। वहीनी, ये ठीक नहीं है, ये सही में ठीक नहीं है। काकू, अगर परिवार में किसी को भी ये फैसला सही नहीं लग रहा है तो प्लीज रहने देते हैं ना। और मुझे खुद भी नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, तो क्यों ना आप मेरी जगह परिवार का कोई ऐसा सदस्य चुनिए जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाए, है ना? नहीं से, इस मामले में मैं तेरी बात भी नहीं सुनने वाली, बल्कि आज इस मंदिर में मैं अपने फैसले पर मोहर लगा दूंगी। आइए पंडित जी, जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा आप कीजिए। जी, आपकी अन्य बहुओं के लिए भी मौली अभिमंत्रित करनी है? नहीं पंडित जी, मुझे एक ही मौली चाहिए, आप जा सकते हैं। मौली क्यों काकू? पंडित जी ने मंत्रोच्चरण करके इस मौली को आशीर्वाद दिया है, अब ये मौली मैं तेरी कलाई पर बांध दूंगी और तुझे मेरा उत्तराधिकारी घोषित करूंगी।
काकू, इसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब है आप अभी फिट हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ये सब तो बाद में भी हो सकता था। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। विराट, मैं तेरे फैसले से बहुत खुश हूँ, और जाहिर है सई ने भी इस फैसले को मन से स्वीकार कर लिया है। जवान खानदान की इज्जतदार और खानदानी बहू होने से बेहतर और क्या पहचान हो सकती है एक लड़की की? और काकू, मेरी पहचान, मेरी पहचान का क्या? काकू, सही का मतलब है कि जवान परिवार की बहू होने के अलावा इसकी और क्या पहचान है? ये कैसा सवाल है? मैं चव्हाण खानदान की बहू हूँ और यही मेरी पहचान है। रही बात मुखिया होने की, तो जब तक मेरी सासी चलेगी, इस घर को मैं ही चलाऊंगी। लेकिन जो आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है काकू, और वो दिन जब आएगा तब मेरी सारी जिम्मेदारियां किसी ऐसे के हाथ में जानी चाहिए जो इसके काबिल हो। इसलिए मैं सई को तैयार कर रही हूँ। ईश्वर इसे शक्ति दे कि ये मेरी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लायक बन सके। मैं इस मौली के साथ अपने फैसले पर कुल देवी की मोहर लगा रही हूँ। तुझे यहाँ पहुँचने में बहुत समय लग गया, अब जब तू यहाँ तक पहुँच ही गई है तो पीछे मुड़कर मत देखना। आज तेरी पत्थर जैसी काकू भी मोम हो गई है। मुझे मेरे वो दिन याद आ गए जब मेरी सास ने मेरी कलाई में ये मौली बांधी थी, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है और मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी किसी बहू को यह सम्मान दूंगी। बरसों पहले मिला सम्मान आज मैं तुझे दे रही हूँ। इसे पूरे मन से स्वीकार करना और मेरे फैसले का मान रखना। हाँ, कई कमियां हैं तुझ में, लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ। मेरी छत्र छाया में तू सब सीख जाएगी। क्यों विराट, अश्विनी सही बोल रही हो ना? क्या सोच रही हो बेटा? जो हो रहा है होने दो। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? परेशान मत होना बेटा, जो हो रहा है उसका आनंद लो। गणपति बाप्पा और कुलदेवी के आशीर्वाद से तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, हक है तुम्हारा, वो तुम्हारे लिए पूजा हो रही है। सही बहनी, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो सही भाई, अब तो तुमसे डर के रहना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के घर के सारे फैसले तुम जो लेने वाली हो। सही, देख जब तू आई की जगह ले लेगी ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि अब सई तवान परिवार की हेड गर्ल बन गई है। ये, ये, ये। सई भाभी, इस घर के मुखिया होने के बाद कहीं आप भी मस्त है मस्त तो नहीं करने लगेंगी? सलाम। मैंने अभी किसी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी है।
भाई, हम लोग कुलदेवी की पूजा के लिए आए हैं ना, तो पूजा की सारी रस्में पहले पूरी करें। चला सगड़ी आओ। अश्विनी, महान जी को पहचाना? हाँ, ये तो वही महान जी है ना जिन्होंने विराट के जन्म से पहले मुझे आशीर्वाद दिया था। अब हम महान जी से विराट और सई के लिए भी आशीर्वाद लेंगे और वही सारी रस्में करेंगे जो उस वक्त हुई थी। प्रणाम महान जी। बड़े समय के बाद आना हुआ महन जी। ये वही है जिसे हमने महापराक्रमी होने का आशीर्वाद दिया था। महन जी, आपने कैसे पहचाना? मन की आंखों से देखते हैं, कोई छुपता नहीं है। आप धन्य है महन जी, धन्य है। ये विराट है और ये सई, इन दोनों की शादी को कुछ समय हो गया है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के मायने कि अब जाकर समझे हैं। अब ये अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, उसमें वैसे भी काफी देर हो गई है। देर? कैसी देर काकू? तुम दोनों की शादी को काफी समय हो गया है। अब तक तो चव्हाण निवास में बच्चे के किलकारियां गूंज जानी चाहिए थी। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। महन जी के आशीर्वाद से अब बहुत जल्द तुम दोनों को भी एक यशस्वी बच्चा होगा। शुभ कार्य में विलंब कैसे? आप दोनों पति पत्नी यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। वहिनी, पत्र लिखा और सम्राट को भी महन जी के आशीर्वाद दिलवा दीजिए ना। वहिनी, करिश्मा और मोहित भी तो हैं। इनकी शादी को भी तो काफी समय हो गया ना। ठीक है, विराट और सई आगे बैठेंगे और ये चारों उनके पीछे बैठेंगे। काकू, मैं क्या कह रहा था? विराट, अभी नहीं, अभी सच्चे मन से पूजा में ध्यान लगाओ। कौड़ियां सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। सही, महन जी अब तुम दोनों को दिव्य कौड़ियों से आशीर्वाद देंगे। सई की आशीर्वाद की कौड़ी टूट गई, इसका मतलब क्या हुआ? महन जी, क्या मतलब इसका? ये कौड़ी तो टूट गई। कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं।
महन जी, इसका क्या मतलब है? बेटी, वह कौड़ी मुझे दो। बेटी, इसे सदैव अपने पास संभाल कर रखना। लो। मानती जी, इसका मतलब भी तो बताइए ना। कभी कभी हमारे नियति में जो लिखा होता है हमें उसका आभास पहले ही हो जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उस बात को होठों पर लाया जाए। भाग्य को अपना खेल खेलने दीजिए। मान जी, अपने शब्दों के जाल में हमें मत उलझाइए। कृपा दृष्टि कीजिए और मतलब बताइए। जवान परिवार को उसका चिराग मिलेगा ना? चिराग हो या रोशनी, आपके घर में उजियारा जरूर होगा। हम इस बात का आशीर्वाद देते हैं। आपको तो बेटी चाहिए थी ना? आपको क्यों लगा कि शी है? ऐसा कोई डायरेक्ट रीजन नहीं है। मतलब हो सकता है ये वजह हो कि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरी बेटी हो। मुझे तो अभी भी लड़की ही चाहिए। तुम भूल गई हो, हमने तय किया था कि हम उसे ऐसे बड़ा करेंगे कि वो हमारे घर का चिराग बनेगी। लोग वारिस शब्द सुनकर ये सोचते हैं कि वो बेटा ही होगा, पर मैं चाहता हूँ मेरी वारिस मेरी बेटी बने। और हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि उसे सारे वो हक मिले जो एक बेटे को दिए जाते हैं। हम तुम्हारी पूजा भी हो गई। देखिए, मैं कुलदेवी के मंदिर में खड़ी होकर आपको कह रही हूँ, काकू को सब कुछ सच सच बता दीजिए। काकू का मुझसे ऐसे उम्मीदें लगाए रखना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। काकू की उम्मीदों को तुम सम्मान समझो सही, और रही बात काकू को बताने की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्द से जल्द मैं काकू को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तब तक देर हो गई तो? नहीं होगी, चिंता मत करो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.